हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3। बेटा आज थोड़ा एंगल के बारे में बात करते हैं। जो आपका एंगल थीटा होता है ना, ये क्या होता है? ये आपके पास माइनर आर, इसकी लेंथ एल है और रेडियस इसकी आर और एंगल है थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर, और यूनिट होता है इसका रेडियस। बट हम इस एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं, तो एक हम रिलेशन जनरेट करना चाहते हैं इसके अंदर कि रेडियन और डिग्री क्या है। तो हमेशा ध्यान रखो, 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन। यानी कि अगर हमारे पास एक पूरा राउंड कंप्लीट होता है ना, तो कितना डिग्री एंगल बनता है? 360। और अगर रेडियन में बात करूं तो कितना बनता है? 2 पाई रेडियन। मीन्स 360 डिग्री जो है 2 पाई रेडियन के इक्वल। तो मैं ये पता करना चाहता हूं कि भी 1 रेडियन कितने के बराबर होता है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई, अपॉन आ जाएगा ये 2 से इसको कैंसिल कर दें, 180 एंड पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 अपॉन 7। 7 कहां रहेगा? ऊपर। मींस 1 रेडियन इक्वल्स टू, इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, 11 एंड दिस इज 90, और ये कितना हो गया? 630 अपॉन 11। बहुत केयरफुली सुनना बेटा। अब आप इसमें 11 का डिवाइड 630 के अंदर दीजिए, कितना आ जाएगा? 11 5 55, ठीक है ना? 8 एंड 0 80, और 7 जा करता होगा 77, और 3 रिमाइंडर बच गया इसमें। तो मैं इसको लिख सकता हूं 57 डिग्री, और फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी है उसको लिखूंगा 3 अपॉन 11, ठीक है ना? रिमाइंडर 3 है और ये डिविजन कितना है ना? 11 है, तो 3 अपॉन 11 यहां जाएगा फ्रैक्शन में। ये क्या है? डिग्री। बट अब हम ये एग्जैक्ट कुछ बता नहीं पा रहे कितना डिग्री है। 1 डिग्री से कम ये तो पता है, बस को आगे और हम ब्रेक करना चाहते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, यानी 1 डिग्री को हमें 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, उसका एक पार्ट जो होता है वो 1 मिनट होता है। तो 60 मिनट से लेकर के 1 डिग्री बन जाते हैं। तो करने इसको ब्रेक, 57 डिग्री प्लस 3 अपॉन 11 इंटू कितना आएगा? 60, और ये किसमें चेंज हो गया? मिनट के अंदर। जैसे मीटर सेंटीमीटर ब्रैक होता है ना, तो कितना होता है? 1 मीटर इज इक्वल कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह से हमारे यहाँ 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट। यानी किसी चीज को अगर 60 पार्ट में ब्रैक करते हैं ना, तो उसका एक पार्ट हमेशा 1 मिनट होता है। अब आप इसमें ये कितना हो गया? 180 के अंदर 11 का डिवाइड कर दो आप, कितना आएगा भाई? 11 बन जाए 11, और 11 सिंजा 66, 4 मीन्स 57 डिग्री प्लस 16 पूरा पूरा गया ना, 16 मिनट प्लस 4 अपॉन 11, ये किसमें? मिनट्स में। बट हम एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कह पा रहे कितने मिनट है, तो अब इसको भी हम आगे ब्रेक कर लेते हैं। 1 मिनट जो है ना, ये आपके 60 सेकेंड्स के इक्वल है। यानी 1 मिनट को अगर 60 इक्वल पार्ट से ब्रेक करो, तो एक पार्ट इसका कितना होगा? 1 सेकेंड होगा। तो इसको आप करो ब्रेक, इज इक्वल टू 60, और ये बन गया सेकेंड। अब इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो 240, 4 इंटू 60 का 11 का डिवाइड कर दो, 11 टू 22, 2 बच गया 20, 11 बचा 11, कितना बचा बेटा? 9, डेसिमल लगा दो 90, 11 8 जा 88, तो 21.8, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 21.8 को कह सकते हैं 22 सेकेंड्स अप्रॉक्स। एक्चुअल तो नहीं निकलेगा, अप्रोक्सीमेट आप उसको 22 सेकेंड कह सकते हैं।
अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखो आप, 57 डिग्री, डिग्री छोटा सा है ना, इस तरह से डिग्री बनाएंगे, और 16 कितना है मिनट है ना, एक डैश इस तरह से, और 22 सेकेंड है, ये दो डैश लगाएंगे इस तरह से सेकेंड के, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन आपके पास में कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट्स और 22 सेकेंड के इक्वल होता है। क्लियर बेटा, इसके अंदर में ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ी। देखो आप क्या था बेटा, ये एंगल थीटा है, थीटा की डेफिनेशन क्या है, एल अपॉन आर, एल होता है माइनर आर, आर होती है इसकी रेडियस, तो एल अपॉन आर या थीटा, और इसका यूनिट होगा कितना रेडियन, ठीक है ना। अब आपके पास में आपने पूछा कि लैम्डा तो डिग्री में वैल्यू चाहता हूं उसकी, कितने डिग्री होगा, तो हमें अब हमारा टास्क क्या हो गया, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो हमने क्या देखा 360 डिग्री यानी पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है तो कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री, और रेडियन में बात करो कितने रेडियन बनते हैं 2π रेडियन यानी 4 राइट एंगल बनते हैं, कितने 4 राइट एंगल बनते हैं। अब आप इसको 1 रेडियन निकालना चाहते हो तो 2π को अपॉन में ले जाओ, कैंसिल आउट कर दिया, पाई की वैल्यू होती है 22/7 स्टैंडर्ड वैल्यू है, सिंपलीफाई किया और डिग्री को किस में कन्वर्ट किया मिनट में, और फिर मिनट को किस में कन्वर्ट किया सेकंड में, ऐसे आगे आगे बढ़ते गए ठीक है ना, और सेकंड तक हम इसमें पहुंच गए। अब इसके आगे हम आपको ब्रेक करने की जरूरत है, ठीक है ना, हमारा कितना है डिग्री, तो डिग्री अगर पूरा एक्सेंट नहीं वैल्यू निकल रही तो फिर मिनट में, मिनट की एक्सेंट वैल्यू नहीं निकल रही तो सेकंड में, तो 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स अप्रोक्सीमेट होती है। क्लियर एंड नाउ